चकला हो चुका है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज बहुत ही दिनों के बाद वीडियो बनाया, कम से कम 3 महीना के बाद। और आज कल मैं गांव पर आया था, अब गांव में वीडियो बनाऊंगा। तो आज जा रहा हूँ पैसा मेरा केस कटवाने के लिए। तो आज देखिए मेरा न्यू लुक, और ये हमारा गांव का डलवाल, इसका भी हम लोग दिखाएंगे केस कटवाने के बाद। तो ये हमारा जकिल चाचा। हेलो गाइस, तो चलिए रास्ते में हम लोग आपसे मिलते हैं। आइए हमारा बुढ़वा साइकिल दादाजी का साइकिल लेकर हम लोग जा रहे हैं केस कटवाने। हम तोड़ गए जब तुम चुके, तब से तुम नजर में आ रुके। हम तो हो गए जमा धीरे धीरे थाला माप दो ना। ये पोखरिया के रोड देख लीजिए, ये संभारी है अभी, ये सीधा जाएंगे तो पोखरिया चले जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं नया रुख, देखिएगा आप, आपको बहुत पसंद आएगा मेरा नया रुख, न्यू रुख, समझिए, बार को समझिए आप कैसा रुख देने वाला हूँ अपने कपाल का। आइए हमारा हेलो गाइस, मैं इसका चाचा ही है, मेरा भतीजा, चाचा भतीजे का जोड़ी जानते हैं आप लोग, वो चाचा भतीजा का वो क्या बोलते हैं उसका कार्टून आप लोगों ने देखा ही होगा, वैसा ही मेरा और इसका रिश्ता है। तो गाइस अभी हम लोग पोखरिया के रास्ता में है, पोखरिया जा रहे हैं, पोखरिया जाने के बाद नया रुख दूंगा कपाल का। तो गाइस मैं गांव में आया हूँ क्योंकि कल छठ है, आज रस्म रोटी है, उस बाकी कल मैं रात को कम से कम कितना बजे मैं कल गाँव में आया था, वो शाम को 7 बजे कम से कम 7 बजे हम लोग आए थे गांव। और कल रात से हम लोग कितना मस्ती कर रहे हैं गांव में, पूरा गांव छान मारे हैं हम लोग। तो देखिए अब एक गांव में कैसा साइडून है, अब वही सैनिक में किस कटवा रहे हैं। तो हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम फाइनली आ चुके हैं सैनिक में। तो यही सैनिक है, हम इसमें इसका कपाल कटवाएंगे। बहुत बहुत आप लोग को बहुत अच्छा न्यू लुक मिलेगा इस कपाल को। सैन हुआ तो है ही नहीं, किधर गया किधर गया हम लोग भी पता नहीं, चलो देखते हैं किधर गए। तो गाइस आ चुके हैं, यही है हमारा टिक रहेगा इसका। किस बर्बाद हो गया किस इसका बर्बाद हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, इधर से दिखाया। आज आप लोग देख सकते हैं यार, ये टकला हो चुका है इसका टीक उखाड़ देने का मन कर रहा है। तो गाइस ये हमारा, तो गाइस देख लीजिए हमारा न्यू लुक, यही है हमारा न्यू लुक स्पेशल टकला वाला है न्यू लुक। इसका टीक पकड़ के नोचने का मन कर रहा है। तो गाइस अब जाएंगे टोपी किनने, अब टोपी किनने के बाद हम लोग भेंट करते हैं आपसे। अब न्यू लुक मिल गया था, अब घूमने में भी लाज लगेगा, बताने में भी। जी भाई तो अब बर्बाद हो गया, इसकी गर्लफ्रेंड भी इसको नहीं चिन पाएगी। चिन लेगी भाई, चिन लेगी, दिल से प्यार करते हैं शक्ल से नहीं। अभी कैसा दिख रहा है आप बोले तो, कैसा दिख रहा है भाई न्यू लुक, सही में से कितना मार्क देंगे आप कमेंट में लिखिएगा इसका ठीक ऐसे उखाड़ दो। तो गाइस ये हमारा हिंदू धर्म का एक चिन्हासी है ये ठीक, यहाँ पर मैं देख लीजिए यहाँ पर फूट गया होगा वहीं पर, कहाँ पर फूटा है यहीं पर है, यहाँ पे
तो बचपन में एक बार गिर गए थे ठेरा पल से, एक जहाँ गोली में लिया था पटक लिया तो कूद गया। तो गाइस यही है पोखरिया बाजार, ये देख लीजिए यहाँ पोखरिया के सरकारी हॉस्पिटल पोखरिया हॉस्पिटल। तो गाइस ये हमारा नेपाल का शान, ये हमारा शान बान नेपाल का झंडा। तो गाइस ये टोपी ले चुके, बोलिएगा शोभ रहा है कि नहीं। टोपी मेरा घाटा नहीं, बाल टकरा होने के बाद टॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई आएगा टकरा हो कोई माल देगा मुझे पटाखा चटा कर। आजकल बहुत भीड़ है क्योंकि कल छठ है ना, इसीलिए आप लोगों का सब लोगों का दिल से वो क्या बोलते हैं रे क्या वो शुभकामना, हाँ दिल से आप सबको शुभकामना छठ का। गाइस ये देख लीजिए ये नेपाल का जोकर कौन कलर लवे ब्रो, गोल्डन गोल्डन। तो गाइस ये गोल्डन कलर जोकर हमारा नेपाल का जोकर, एक बार जोकर का ही मुंह बनाइए। टकला होने का मन कर रहा है पर मैं नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा इसका गोल्डन इसका गोल्डन छोड़ के भाग जाएगी है ना। यार ऐसा बात नहीं है, वो दिल से प्यार करती है यार, कपाल से नहीं। गाइस मेरा ही डायरेक्ट मार रहा था, देखिएगा क्या हो गया यार, डायलॉग डायलॉग है, कोई भी मारे पर डायलॉग डायलॉग है। जो कल से सब बना दीजिए कब, ओह कैसा बना दे मुझे पता नहीं, ऐसा ऐसा कैसे करते हैं। तो गाइस टिकटॉक, ये टिकटॉकर है और मुझे पता है, मुझ पे खुद पे भरोसा है कि मैं अपने गांव का नाम एक दिन बहुत जल्दी रोशन करूंगा यार, बहुत जल्दी। मुझे था है आप लोग का था होगा नाम रोशन, इसे आप लोग ऊपर नहीं ले जाएगा, ये नीचे ले आएगा ऐसा आदमी ये नहीं यार, पर आप लोग दिल से यार सपोर्ट करो, बहुत ऊपर जाएंगे हम लोग भी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँचेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत जल्दी ऊपर पहुँचेंगे। ऊपर ऊपर सुबह वाला ऊपर नहीं, सुबह वाला ऊपर नहीं, ऊंचा नाम रोशन करेंगे, ऊंचा करेंगे अपने गांव का नाम अपना नाम और आप सब लोग का नाम। आप लोग तो हम लोग बता दें हमारा गाँव है, ये हमारे गाँव का नाम क्या है आप लोग का बता दीजिए भाई। रानीगंज रहरिया बीच में हम दोनों पहाड़िया, पहाड़िया नहीं है गाइस, मलेशिया है, मलेशिया प्योर मलेशिया, पर नेपाली है। यस वी आर प्राउड ऑफ नेपाल। तो गाइस देख लीजिए ये सेमबारी का छठी घाट का गेट तैयारी हुआ है, वो हमें गेट दिखाया ना उधर वही का ये छठी घाट है देख लीजिए। तो गाइस ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, गाँव में ढुकते मात्र ये हम लोग को मिलता है सफल लाइन से गाछी और वहाँ पर भी एक है, पर ये सबसे अच्छा दिखता है awesome. Awesome. यहाँ पर ये डलवाल है ना, ये हमारे गांव का फेमस टाउन, यहाँ हमारा गांव का फेमस टाउन है, यहाँ पर बहुत फिल्म शूटिंग हुआ है नेपाली फिल्म। चलिए आज आप लोगों को ये दरबार दिखाएंगे, चलिए आप लोग को दिखाते हैं अभी दिखाएंगे। तो गाइस ये देख लीजिए डलवाल, तो गाइस देख लीजिए ये हमारा गाँव का डलवाल बहुत फेमस है, बहुत यहाँ पर फिल्म भी शूटिंग होता है यही डलवाल में। तो गाइस यहाँ पर तो गाइस चलिए देखिए देखा जाए ऊपर, तो हम लोग नहीं जाएंगे गाइस। सो गाइस पर एक ये डलवाल में एक ये खासियत है खराबी चीज गाइस, पूरा डलवाल पर कुछ तो कुछ लिखा होगा, ये हमारा गांव का चीज है, कम से कम इसे अच्छा सा रखना चाहिए, देख लीजिए ये हाला, ये अभी तक कितने बार यार है ना, एक लाख भी मारेंगे तो नहीं टूटेगा, एक लाख तो क्या इसका ये बूम देखो बूम। तो गाइस ऊपर देखिए ऊपर कैसा बना हुआ है, पर गाइस ये राजा लोग थे उस टाइम मर गए। गाइस ये पछाड़ी डलवाल का पछाड़ी है, जंगल हरियाली हरियाली करने से कुछ फायदा, ये पाखी उखी लगा दिया है लोग, पाखी नहीं माटी से प्लास्टर हुआ है, माटी से प्लास्टर है उसका। गाइस देखिए ये माटी से प्लास्टर है तो कितना बढ़िया है ये, यहाँ पर सरकारी स्कूल हमारा गांव का। तो गाइस ये हमारा गांव का शान बान, यहाँ पर कुछ राजा रहते थे अब हम लोग रहते हैं, ये हम भी तो राजा है ना, राजा से कम है क्या हम। तो गाइस ऊपर ट्राई करेंगे जाने के लिए ऊपर, ये सब ये क्या है, ये मोनिका आई, ये क्या है सोडिका सोडिरा सोडिरा की क्या क्या। ये दरबार के बगल में ये दो थे
मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ। आज पूछते हैं अंकल से क्या है। ये इधर एक रानी बैठती थी, उधर राजा, क्योंकि यहाँ पर झगड़ा होता था ना, इसलिए पंचायती करने के लिए वहाँ पर बैठते थे। तो हमारे गांव का ये शान बानी यही है, क्योंकि फेमस था होती है ये। यहाँ पर फिल्म शूटिंग होता है, ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे जाने के लिए, पर इस वीडियो में तो हम लोग नहीं ट्राई कर सकते। घर वाला आदमी देखेगा तो बोलेगा डालबाल में आने से मना है। डालबाल में आने से मना क्यों है? क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं मत जाओ डालबाल में, क्योंकि यहाँ पर हमारे गांव में ना बहुत कहीं से भी लोग आते हैं, डालबाले में आते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा वाजा ये क्या क्या होता है सब खत्म चीज़ यहीं पर होता है। उस बाकी पापा मम्मी बोलते हैं नहीं आने के लिए डालबाल में, और इधर से कितना जाना साइड मल भी गया है बोलते हैं। बस हम लोग आप लोगों को दिखाने के लिए इधर लेकर आए थे, आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पर आए हम लोग, नहीं तो हम लोग नहीं आते हैं। कभी कभी मस्ती टाइम कभी कभी बहुत लोग होते हैं तब हम लोग आते हैं। कब आप आज आइएगा ना यहाँ पर, कभी कम से कम दो लोग तीन लोग होएंगे होंगे, नीचे नहीं होंगे तो ऊपर कम से कम होंगे। और हमारा गांव का ये नाम है जो रानीगंज है, रानीगंज रहरिया, ये फेमस ठाव है। यहाँ पर आप कौन फिल्म का नाम, फिल्म तो हम देखे हैं, फिल्म का नाम था नहीं है, पर नेपाली फिल्म, हिंदी फिल्म में नहीं, नेपाली फिल्म बहुत है। यहाँ पर दो तीन सौ फिल्म शूटिंग हुआ था, ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, उस वक्त हम लोग चाहेंगे ये ब्लॉग वीडियो बन करने के लिए। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। कब अब वीडियो बनाने के स्टार्ट करें, अब वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक एक महीना पर एग्जाम था, उस पर हम लोग वीडियो नहीं बना सकते थे, उस पर अब बनाएंगे, ट्राई करेंगे फुल ट्राई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा हमारा ब्लॉग। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।